Krishna. Hello and welcome to Oppo Camera Phone Presents Comedy Nights. Bacha! Powered by 9apps. Krishna? हाँ. रुक ही नहीं रहा यार, आज तो नाच ही जा रहा क्या? अरे क्योंकि आज नाचने वाले ही आ रहे हैं भारती जी. हाँ. एक मिनट. हाँ. मैंने तो अपनी शादी भी नहीं अनाउंस की, तो क्या करेंगे नाच के? अरे भारती और ऑडियंस, आप लोगों को बताऊं कि जब भी मेरी डांस पे एंट्री होती है, आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे डांसर्स आते हैं मेरे साथ, है ना? तो मैंने सोचा यार, कब तक बेचारों को हजार हजार रुपया दे के घर भेजो. आज इन्हीं डांसर्स को हम इस कुर्सी पे बिठाएंगे, क्योंकि उनको झलक दिखला जा में भी मौका मिल गया है आने का, और उनके साथ एक सुपरस्टार भी आ रहे हैं. बच्चन साहब आ गए, बच्चन साहब आ गए, बच्चन साहब आ गए, बच्चन साहब आ गए. यार तूने तो लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी अभी बच्चन साहब. कोई बात नहीं, हम खराब करेंगे. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए द वन एंड ओनली सुपर डुपर स्टार राहुल रॉय. ना नहीं, ये वही बंदा है जो सलमान के साथ घूमता है. जोरदार तालियां इनके लिए, भूल गए सॉरी हम लोग. क्या बात है कि झलक के जितने कंटेस्टेंट्स हैं, ये जैकलिन को साथ में लेकर आए. बहुत अरे नहीं, अरे वो राहुल जी, सॉरी राहुल रॉय सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. और ये मेरा दोस्त नाला सुपारा का सिद्धार्थ रॉय कपूर के लिए जोरदार तालियां. कृष्णा यार क्या हैंडसम दिखता है यार, है ना? क्या तीखी नाक है. तुम्हें पता है अपने सिर में जब भी पप्पी करने जाता ना, लड़की की आंख फोड़ देता नाक से. लेकिन यार मैं फैन हूँ इसकी. ये देख. अरे ये वही है ना जिसके शो में से नेवला आता था. अरे अरे कमाल है लोग हैं. लेकिन हमारी करिश्मा तन्ना भी कमाल है. जोरदार तालियां. वाह वाह कॉस्ट्यूम. करिश्मा कमाल के जूते पहनती हैं आप इनके देखेंगे सैंडल्स. मैंने बोला यार करिश्मा तू इतनी शॉपिंग करती, कहती नहीं मैं ना बालकनी में खड़ी हो जाती, कोई ना कोई मारी देता. लेकिन एक बात बोलूं करिश्मा, करिश्मा नूरा, आय हाय
क्या चिकनी टांगे, इनका करियर ना टांगों पे ही है। जिस दिन इन टांगों पे फुंसियां हो गई ना, गया करियर। लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, करिश्मा को इनके हिसाब से झलक दिखलाजा मिला है। मतलब? हाँ, क्योंकि इनकी एक फिल्म आती है, झलक दिखा देती है, फिर 3 साल गायब हो जाती है। फिर कोई फिल्म आती है, झलक दिखाती है, फिर 4 साल गायब हो जाती है। अब ये झलक में आई है, कम से कम 15 साल गायब रहेंगी। लेकिन आज मैं दिल से खुश हूँ क्योंकि मेरा भाई सलमान आया, हम दोनों ने झलक एक साथ किया था। क्या बात है, एक क्या वो बात? सलमान है जब कहते हैं आई लव यू ऑल तो सब ये खुश होते हैं, ये भी अपने मोहल्ले में खड़े होकर कहते हैं आई लव यू ऑल, कहते हैं वो सब ठीक है, कचरे की रेडी उठा दो। नहीं लेकिन इनके हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में इतने फैन है, सलमान वाई खान के लिए जोरदार तालियां। लेकिन ये नाम है ना आपने गलत लिखा हुआ, आपका होना चाहिए वाय सलमान खान। अरे शक्ति भी है, शक्ति। अरे अरे वो है, आओ माय टेन वो शक्ति नहीं, आज क्या वाले नहीं है, ये सीरियल में आते थे कलर्स के। अच्छा हाँ। अरे छोड़ना फिर कैलन। अच्छा ऑडियंस, आप लोग सोच रहे होंगे कि झलक के इतने सारे लोगों के साथ राहुल रॉय सर क्यों आए हैं। एक्चुअली ये इसलिए आए कि मेरे को झलक में क्यों नहीं लिया आप लोगों ने। हाँ सर, यही चक्कर है ना। यही है, और क्योंकि हर टाइम मेरे को सुनने को मिलता है कि तू मेरी नकल करता रहता है, तो मैंने कहा आ करके देख तो लूं कितनी अच्छी करता है। आ करके देखना सर, आज ये मैंने, ये बात सच है, मैंने आपकी नकल कर करके करोड़ों रुपए गवाए हैं सर। है? कमाए होता कमाए, अभी कमाए बोलूंगा कि मुझसे पैसे मांग लेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मेरे बंदे तेरे कमरे में ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, डोंट वरी। अरे पैसा तो था नहीं, बंदे कहाँ से आए। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी इनके बंदे वेट कर रहे हैं, लेकिन हम भी इन सबका बेसब्री से वेट कर रहे हैं। कृष्णा मैं बताऊंगी पहले कौन बैठेगा। किसको किसको? मैं चलूंगी और जिसके कंधे पे हाथ रखूंगी ना, हाँ, वही बंदा बैठेगा। चलो डन, आइए। ठीक है अर्जुन। देखो इधर कंधा, कंधे में तो मेरा आपका हाथ आएगा नहीं। करिश्मा की कमर पे रख ले। मैं आ गई हूँ पहले भारत। कितना डरती है ये। आप सब लोग सर यहाँ पर आ जाइए प्लीज। कृष्णा। हाँ जी भारती जी। दो हैंडसम लड़के बैठे हैं। अरे बिल्कुल, मैं जरा अपने दांत रंदे से तीखे करके यार एक टेंशन हो गई है, बाहर एक बच्चा आया हुआ है, कोई खोया हुआ बच्चा है, पता नहीं बहुत बदतमीज है, लेकिन बहुत बदतमीजी कर रहा है। अगर आप लोग उसे झेल सकते हैं तो झेल लीजिए, ठीक है। मैं झेलने की आदत है बच्चे को। चलिए, ऑप्शन तो है भी नहीं आपके पास, झेलिए उसको। जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। ऐसा है अर्जुन? बस ठीक हूँ करण। यार मैं बहुत परेशान हूँ, तेरे को पता है, तेरी वजह से एक बाहर ना लड़का बहुत चिल्ला रहा था, बहुत तंग किया उस बच्चे ने मुझे, मिलना चाहता है उससे। एक मिनट। ओए, उठ बे। अबे चुप चुप कर, रो क्यों रहा है? एक छोटा सा बच्चा नींद से उठा और इतनी गंदी शक्लें देखने को मिले तो वो रोएगा ही ना। आपने सच्ची में ना जब आके खोल ना मेरा मूड खराब कर दिया। अब मेरा मूड अच्छा करने के लिए मुझे कचरा दिखाओ, सड़ा हुआ बैंगन दिखाओ, सड़ा हुआ बैंगन दिखाओ मुझे। हाँ। क्या
क्या सड़ा हुआ बैंगन तेरे को देखना है? राहुल रॉय जी आए हैं, वो कम है सड़े हुए बैंगन से? खराब है तेरा, वो सड़े हुए बैंगन नहीं, वो तो गले हुए बैंगन है। अंकल जी, हाँ? ये चिरकुंडे लोग है कौन? यो, चिरकुंडे नहीं है। ये ना झलक दिखला जा कि प्रमोशन के लिए आए हैं, माइनस राहुल रॉय। तो इस बार ये हाँ सब झलक में डूब मरो। तमीज से रहे, अच्छी अच्छी बातें कर। वो कौन है काली टी शर्ट वाला? अर्जुन बिजलानी। क्या नाम है यार इसका? अर्जुन बिजलानी, नाम में ही बिजलानी है, काम पे तो बिजली गिरी पड़ी है। ऐसा नहीं है, नाम सूट करता है। देख तीसरी बार आया, आज तो इसने उड़ता तीर पता नहीं कहाँ पकड़ा है। भैया इस बार तो आपने उड़ता तीर हाथ में पकड़ लिया। इसका शो आता था ना नागिन, है? एक बात है बेचारा, बहुत किस्मत बहुत है। क्यों? जिस शो में आधा जैसी लड़की चल गई उसमें ये नहीं चला। यार लेकिन एक बात है करण अंकल, हाँ चिंटू बोल, ये अर्जुन अंकल है ना, हाँ? ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। ऑफकोर्स यार, कितना कमाल का एक्टर है, बहुत बहुत आगे जाएगा ना। सच में घोड़ा? अरे संडे के संडे रेस कोर्स में घोड़ा बन के खड़ा होता है। और बाकी के दिन क्या करता है? बाकी दिन बाकी घोड़ों की लीद उठाता है। बाजू वाली सेक्सी आंटी के बारे में भी बात करो ना। अबे वो सेक्सी आंटी नहीं है, वो सिद्धार्थ है। हाथ नीचे करना, दूर से तो फेंके हुए करणवाही लग रहे हैं। अबे भाई शर्म करो, एक तो करण वाही ऊपर से वो भी फेंका हुआ। एक बात बोलूं करण अंकल? हाँ जी। ये तो आपसे ज्यादा लड़की लगते हैं, मैंने देखा था खिड़की से, ये नहाते वक्त अपनी कमर को देख के सीटियां मार रहा था। ब्लाउज के ऊपर कोट पहन के पार्टियों में जाने वाला है, कैसा है तू? देख ज्यादा मत बोल, बहुत बड़ा आदमी था। तूने इसका घर देखा? मैं ना अपनी मम्मा के साथ गया था, ओह पहले ही कमरे में देखा, ओ इतनी बड़ी धर्मेंद्र की फोटो लगी, मैंने कहा अंकल आप धर्मेंद्र अंकल के फैन हो? कहते नहीं, मैं जब भी इनको देखता हूँ मुझे कुछ कुछ होता है। आई दया। लेकिन आपको पता, ये करिश्मा आंटी ना इनसे लड़ रही थी, कहती बदतमीज तूने मेरी स्कर्ट गीली कर दी। कैसी बातें कर रहा है? अब उसने पानी फेंका होगा ना? नहीं, इनकी स्कर्ट पहन के ये बारिश में नाच रहा था। ये करियर बनने से पहले ही डुबाएंगे। हाँ, एक बात बोलूं, इन सबका ना एक व्हाट्सएप में ग्रुप है। क्या? नो वर्क फुल एटीट्यूड। लेकिन आपको पता है? उसका मैं एक मिनट, मैं उस ग्रुप का एडमिन कौन है? राहुल राय अंकल। आपको पता है शक्ति अंकल है ना, बाहर वॉचमैन अंकल से डांट खा रहे थे। वॉचमैन अंकल बार बार कह, ए शक्ति भाग यहाँ से, ए शक्ति भाग यहाँ से। मैंने कहा अंकल इतनी बदतमीजी से बोल रहे हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कहते शुक्र कर भगवान का कि ये मेरा नाम जानता है। मुझे शक्ति अंकल मन से बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी वजह से मेरे दादाजी 10 साल बेड पे थे, चलना सीखे। सच्ची? हाँ, वो ऐसे बेड पे लेटे रहते थे, मैंने इनका सीरियल लगाया, उठ के खड़े हुए टीवी तोड़ दिया। पिंटो यार थोड़ा ज्यादा हो रहा है यार। हाँ? हाँ। अरे एक बात सुनो ना। हाँ बोलो। वो नहीं आई हेड स्टोरी वाली सुरवीन आंटी, वो भी झलक में है ना? वो यार एक्चुअली शायद तबीयत खराब है। नहीं मुझे पता क्यों नहीं आई। क्यों? 24 में अनिल कपूर की पप्पी ली थी ना, मुंह में बाल चले गए, वही निकाल रही है। देख चिंटू कुछ भी बोलेगा ना, मतलब तू? अरे बच्चों, हाँ हूँ मैं बच्चा हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। सुनना, मैं ना जब सुरवीन आंटी को देखता हूँ ना, कभी कभी इतने छोटे कपड़े पहनती है, मुझे न्यू बोर्न बेबी लगती है। अबे ओए, बच्चे बच्चे की तरह रहे। हाँ तो बच्चे की तरह रह रहा हूँ। वैसे मैं आप सबको हाथ जोड़ के शुभकामना देता हूँ कि आप लोग कलर्स पे इतना छा जाओ, आपका झलक दिखला जा इतना आगे जाए। सालो शनिवार हमारा स्लोर था, तुम लोगों ने ले लिया, भागो यहाँ से। देख लेना
बच्चे के मन से दुआ निकल रही है। जिन जिन ने ज्यादा पैसे लिए ना पहले एपिसोड में निकलोगे। कृष्णा भाई ये चिंटू को यार आप ही समझाओ यार। हेलो बेटा। चल बे चल हट यहाँ से। ऐसा है। हट बे। ऐसा है बच्चा हूँ लड़की नहीं पप्पी ले रहा है। अरे लेकिन कैसा बच्चा है यार ये बॉडी इसकी राजपाल यादव जैसी मुंह रजा मुराद जैसा। तो अंदर कैसे आया बदतमीजी कर रहा है यहाँ पे लोगों के साथ में। तेरा जैसे लोग हो तो बदतमीजी तू बाहर चलते सब आदत का बाहर करता। भारतीय हरकरण के लिए जोरदार तालियां। आ जा बेटा बाहर आ जा। मैं नहीं निकलूंगा। क्यों? पहले नोरा और करिश्मा को बुलाओ ना इधर। उनकी टांगे देखनी है। उनके साथ डांस करना है मुझे। क्या बात है। बहुत हैं तुमको क्या इनको बोलो कि मेरे साथ डांस करे। बस बेबी हो कैसे डांस करे। अरे हाथ तो लगाओ बड़ा भी हो जाता हूँ मैं बच्चा। पूरा अच्छा करना वरना उड़ के लात मारूंगा। चलो म्यूजिक बजाओ। मजा आ गया। और मजा लेना है। चल बे भाग यहाँ से। चलो चलो पैर देख लिया मैंने टांगिया बैठो अब दोनों जाते हैं। अर्जुन और सिद्धांत क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये पहले तो बोल। हाँ, नहीं नहीं लेडीज सर। नहीं यार मैं तेरी उम्र बड़ी है बोल। एक्चुअली आज हिसाब बराबर हो गया। जितना एक्चुअली इतने सालों से जो आपने हमें हजार सा के खून बढ़ाया है उतनी यहाँ जुड़ा उड़ा के एक जला भी दिया है। भारती बहुत ही क्यूट बच्ची थी अंदर और ऐसा लग रहा था मुंह पे थायराइड हुआ है लेकिन ठीक है अच्छी लगी। राहुल सर से पूछते हैं। राहुल सर भारती यू आर द ट्रू स्टार आउट हियर। थैंक यू सो मच। शक्ति जी आप तेल लगाने जाओ। हाँ चलिए आगे आगे बढ़ते हैं जोर जोर। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। सलमान मेरा भाई है इसको मैं पूछूं ऐसा कभी हो नहीं सकता। तू भी तेल लगा। चलिए लेकर जाइए। कौन है आप? चलिए कृष्णा जी। भारती जी अब किसको सिंहासन पे बिठाना है? जल्दी बैठाओ। एक काम करते हैं शक्ति बहुत सीरियस लग रहे हैं इनको थोड़ा और सीरियस करते हैं और उनका साथ देंगी चूरा। ओ सॉरी नूरा। नूरा और शक्ति के लिए जोरदार तारे आ जाइए। इनकी खातिरदारी करने के लिए हमने स्वयं मिथुन दा बुलाए हैं। अरे अरे जब मिथुन दा को पता चला ना कि झलक के कंटेस्टेंट्स आए हैं तो ग्रैंड मास्टर हमारे मिथुन जी बोले मैं आऊंगा कोई मैं खाऊंगा शाक। हाँ जोरदार तालियां हो जाए मुबीन और अनीता के लिए।
क्या बात क्या बात क्या बात. आज तक मैं ये डायलॉग अधूरा बोलता रहा, लेकिन आज पहली बार पूरा बोलूंगा. अरे क्या बात, अरे ऐसी क्या बात हो गई जो इन लोगों को बुला लिया, क्या बात. वैसे मेरा डांस कैसा लगा? सुपर. क्या बात क्या बात क्या बात. थोड़ा सा टेढ़ा था ना. ए, वो क्या है, डांस का प्रॉब्लम नहीं है. अरे ऐसी क्या बात हो गई तो ये डांस दिखाया. अरे वो डांस का प्रॉब्लम नहीं है, ड्रेस दादा का प्रॉब्लम है. उसने क्या एक जूता 9 नंबर का दिया, एक 8 नंबर का. अभी पहले जो ड्रेस दादा थे ना वो बहुत मस्त थे, लेकिन सुना आजकल एक्टिंग कर रहा है. शक्ति दादा, तुमको देख के पुराने दिन याद आ गए. शक्ति दादा मेरा कॉस्ट्यूम वाला. अरे तेरिता तेरिता, अरे तेरिता. नूरा के बारे में क्या कहूं, ये जब इंडस्ट्री में 1 साल मेहनत की कुछ नहीं हुआ, 2 साल मेहनत की कुछ नहीं हुआ, 3 साल मेहनत की कुछ नहीं हुआ, फिर 4 साल 5 साल, 5 साल जब पूरे हो गए तब जाकर इसने काम नहीं मिलने का कोर्स कंप्लीट किया. वैसे ये जो अपना शक्ति है ना, ये टेरोट कार्ड रीडर भी है, बराबर. अरे एक बार अपना कार्ड भी देख लेना भाई. हो सकता है कि कुछ अच्छा निकल जाए. एक बार इसने निकाला भी 5 कार्ड निकाला, 5 जोकर. वैसे ये जो तुम लोगों का शो आ रहा है ना, इसका जज मुझे लेने वाले थे. क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात. लेकिन मैंने जैसे कंटेस्टेंट की लिस्ट पढ़ी, मैं बोला ये बात नहीं होगी, ये बात नहीं होगी, मैंने वही छोड़ दिया. लेकिन इस बार झलक का नाम है झलक इट्स हॉट. सही है, प्रेशर कुकर जैसे कंटेस्टेंट रहेंगे तो हॉट तो हो गई ना. वो बीन कहाँ रह गया यार? वो बीन तो अनीता. ओह माय गॉड, मिथुन दा हमारे शो में आए हैं. प्लीज प्लीज एक सेल्फी तो बनती है, एक सेल्फी. हाँ मैं निकालता हूँ. क्या बात क्या बात क्या बात. अरे फोटो इतना ब्लर क्यों आ रहा है? क्या बात क्या बात क्या बात. हिल के खींचा था ना तो ब्लर हो गया सर. वैसे दादा आपको इस इंडस्ट्री के बारे में इतना नॉलेज है, आपको क्या लगता है ये दोनों इस इंडस्ट्री में क्या सोच कर आए होंगे? अगर सोचा होता तो इंडस्ट्री में आते ही नहीं. मजाक कर रहे हैं आप? अरे मजाक मत कीजिए, शक्ति के बारे में कुछ कहिए ना, कैसे लगते हैं ये आपको? अरे इस बंदे को मानना पड़ेगा, श्रद्धा जैसी जवान लड़की होने के बावजूद खुद को इतना मेंटेन करके रखा है कि अपनी बेटी का छोटा भाई लगता है. ये नहीं, शक्ति अरोरा है. अच्छा ये कौन है? अरे बहुत बड़ा हिट सीरियल है इनका. बहुत बड़ा हिट सीरियल, ये कैसा टाइटल है? अरे ये टाइटल नहीं है, टाइटल है मेरी आशिकी तुमसे ही. अच्छा मेरी आशिकी तुमसे ही. हाँ ये तो वो सीरियल है ना जिसमें ये अपने से भी ज्यादा मर्दाना दिखने वाली लड़की को लाइन मारता है. कलर्स का शो है. कलर्स का शो है. भी कलर्स का. मेरी आशिकी तुमसे भी कलर्स का. कलर्स का. कलर्स का. ये भी कलर्स का. अभी इसको एक और शो मिलेगा, वो भी कलर्स का. एक और शो? हाँ. कौन सा शो, क्या नाम है? उस शो का टाइटल होगा मेरी रोजी रोटी कलर्स से ही. वैसे नौरा का वो हिट गाना है, उसके बारे में कुछ कहिए ना. प्लीज मत कहो. अरे तेरी उसके 10 साल पहले वो गाना आ चुका था. हाँ और तभी बहुत बड़ा हिट था. हाँ तो वही तो मैं सोच रहा हूँ, जब उस टाइम पे हिट था तो वीडियो बना के खराब करने की क्या जरूरत थी. वैसे मिथुन दा आपको ना
आपको ना डांस का इतना नॉलेज है। अरे बहुत। तो बताइए ना, इन सब में से सबसे अच्छा सालसा कौन करता होगा? वही जो सबसे अच्छा नाचोस करता होगा। नाचोस तो खाने का है, मैं सालसा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आप मुझे पासा दोबले के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, पासा दोबले के बारे में यही कहूंगा, ये 12 साल का बच्चा एक छोटे से गांव से आके माँ बाप का नाम रोशन किया, बहुत मेहनत किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, और इस छोटे से बच्चे के लिए मैं ग्रैंड सैल्यूट देना चाहता हूँ। नहीं, मैं वो जो डांस फॉर्म होता है ना पासा दोबले, उसके बारे में पूछ रही थी। अच्छा, डांस में भी फॉर्म होता है? विमो तो मेरे को बोल रहा था सिर्फ गद्दे में फॉर्म होता है। आपको पता है करिश्मा तन्ना ना, वो ना बहुत अच्छा नाचती है, उसे डांस का बहुत नॉलेज है। अरे काम वालों को डांस का कहां से नॉलेज होगा? अरे काम वाली है ये। काम वाली है? आपको कैसे पता? पक्का सबूत है मेरे पास। सबूत है? वीडियो इसका काम करने का, बर्तन भांडी घसती है ये। दिखाइए दिखाइए। यकीन नहीं है? अभी दिखाता हूँ, आओ। कत्ती तेल लगा, आप तब बताएं। नूरा क्या कहेंगी, व्हाट डू यू वांट टू से? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। ये इन दोनों का रोस्ट था ना, तो मैं बीच में कैसे आ गई? सही बात है। पता क्या है कि लंबी बहुत है, इसलिए बीच में आती रहती है। अभी हमने नूरा को पूछ लिया, शक्ति तेल लगाने। करिश्मा क्या कहना चाहेंगी आप? ये बोल रही जीरो है, कुछ नहीं कहोगे तेरा। ये अच्छा है, कभी मिथुन बनते हैं, कभी अनिल कपूर बनते हैं, कभी बच्चन साहब बनते हैं, इसलिए लोगों को ये नहीं पता कि ये कौन है। बहुत बढ़िया। तो कृष्णा एक बार राहुल सर से, राहुल सर कैसी लगी आपको हमारी डबिंग? डबिंग तो बहुत कमाल का था, लेकिन जो रोशनी तुम्हारे कॉस्ट्यूम से आ रही है ना, जी जी, इट इज जस्ट टू मच यार। लेकिन बहुत कमाल का आपने रोस्टिंग किया, एंड डबिंग जो आप करते हैं और मैं जो आपके प्रोग्राम में देखता हूं, मैं सुपर्ब, अमेजिंग टैलेंट। एंड अनीता, डैम गुड टाइमिंग, डैम गुड। अनीता भी सर बहुत बढ़िया कर रही है। आई नो। तो ये हमारे राइटर्स को पीछे पूछ रही थी कि मुबीन जो है मिथुन बन रहा है, मैं क्या बनूं? तो उन्होंने कहा तुम पहले ढंग से अनीता बन लो, फिर हम देखेंगे। बहुत बढ़िया कर रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए मुबीन और अनीता के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा जितने भी लोग झलक दिखलाजा से आए हैं ना, हाँ भारती, तुम्हें बताओ उनमें से सबसे ज्यादा कौन डर है? सलमान। हाँ भैया, तब बड़ा ईशा शेरवानी को घुमाते थे ऊपर, हैं? तब हमें भी दुखता था जब ऐसे से स्प्लिट करती थी मैं। अभी तक है ना स्प्लिट बग? हाँ, तो इलाज भी तो चल रहा है ना अभी तक। नहीं, स्प्लिट बहुत इजीली करती है, पता है गांव खेड़े के लोग हैं ये लोग, ऐसे टॉयलेट में वहाँ बाहर। हाँ, ये खुला हुआ है। वैसे कृष्णा, इनके सीजन के बाद इनके कोरियोग्राफर का भी अब तक इलाज चल रहा है। अरे मरे नहीं अभी तक। भारती 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 भारती, मेरी कोरियोग्राफर जो है उन्होंने मेरे को एक डेयर दिया है, उनको पता चला कि मैं बचाव में आया हूँ, सो शी वाज लाइक कि मेरे साथ तो लिफ्ट कर लोगे, भारती के साथ लिफ्ट करके दिखाओ तो मैं मानूंगा। या कम ऑन भारती, कोई काम कर, आ जाओ शो से पहले मर जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, आओ आ जाओ, वन डाउन, बात नहीं करना है, ट्राई करना टूटी हुई भारती। झलक आई रिजाइन।
एक मिनट, एक तो कूली लोग को डांसर ले लो ना, पता नहीं चलता सामान कैसे उठाना है। भाई तुम लड़के हो क्या, लकड़ी की दुकान के चूहे हो तुम। चलो मैं उठाती हूँ आपको। क्या बात है? वही बात जो आपने सुनी। चलिए कृष्णा जी, अभी उस कुर्सी पे कौन बैठने वाला है? करिश्मा और अर्जुन दोनों सब पे बड़ा हाथ दे दे के हंस रहे थे। फिर से? अब फिर से भैया, रोटी भी तो फिर से खाते हैं ना। चलिए अर्जुन और करिश्मा, इनकी खातिरदारी करने कौन आ रहा है? कृष्णा, दो स्ट्रगलर के लिए दो थकेले आएंगे। प्लीज वेलकम श्रुति और राजीव। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, झलक दिखला जाके पूरे कास्ट के लिए। कलर्स ने पहली बार टाइटल के हिसाब से कास्टिंग की है। जिन जिन आर्टिस्ट ने इस इंडस्ट्री में झलक ही दिखाई है, उन सबको कर दिया भर्ती इस कास्ट में। सलमान भाई, सलमान भाई इधर। कदम आज इस आदमी ने यह साबित कर दिया है कि नाम में कुछ नहीं रखा। अपने नाम में दो दो सुपरस्टार को जोड़ा हुआ है इन्होंने, एक सलमान खान, दूसरा यूसुफ दिलीप कुमार। फिर भी फ्री में यहाँ बैठा हुआ बेइज्जती कराने। एक वो सलमान है, पिक्चर रिलीज होते 600 करोड़ घर लेके जाता है, और एक ये है, शो के बाद भी तीन तीन दिन 600 रुपए के लिए छत के बाहर बैठ रहा था। वैसे सलमान का जर्नी बहुत जबरदस्त है। मुझे याद है मैंने पहली बार इन्हें टीवी पे देखा था 5 साल पहले, किसी एक डांस रियलिटी शो के कंटेस्टेंट थे, और आज देख लो, डांस रियलिटी शो के कंटेस्टेंट। वही के वही। अरे नूरा फतेह, वाह क्या लग रही है यार। तो जोरदार तालियां हो जाए दीपिका पादुकोण के लिए। अबे जिनके नाम पे तालियों का कोई सेंस बनता है उन्हीं के नाम पे बजनी चाहिए ना। क्यों बोल रहे हैं? वैसे मैंने तुम्हारा गाना देखा था, कौन सी पिक्चर थी? रॉकी हैंडसम। वैसे सोचने वाली बात यह है कि अगर गाने में परफॉर्मेंस जबरदस्त हो तो गाना पिक्चर को यहाँ लेके जाता है, यहाँ है ना। अगली बार याद रखना, कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए पिक्चर। खैर मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ राजीव उर्फ राजू गाइड। फॉरेन से लेके आता हूँ मैं इंडिया में लोगों को फेमस सेलिब्रिटीज दिखाने। तो भाई अर्जुन भाई, अगर मैंने तुम्हें फेमस बुला दिया उनके सामने तो बुरा मत मानना। प्लीज वेलकम हिलेरी क्लिंटन। वेलकम मैडम। वाओ, तो आखिर मैं इंडिया पहुंच ही गई। हाँ वेलकम मैडम, ये देखिए, ये देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज। ओह रियली, ये सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज? नहीं नहीं, बहुत सारे ही हैं, बड़े उनमें कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इंडिया आई हूँ शांति का संदेशा देने। हाँ हाँ, तो दीजिए ने। नहीं नहीं, मैं संदेशा देने आई हूँ, गालियाँ नहीं। वैसे ये दोनों कौन है? अरे ये करिश्मा है, इंडियन फेमस सेलिब्रिटी मैडम। ओह रियली, तो पर मैं शांति का संदेश इन्हें क्यों दूं? अरे ये जहाँ जाते घर में जब टीवी पे आती है ना तो पूरे घर में शांति हो जाती है। ओह वो कैसे? वो टीवी ऑफ कर देते हैं। अरे बाजार में चले जाते हैं तो वहाँ भी शांति हो जाती है। रियली? हाँ, यहाँ तक कि मच्छी बेचने वाली औरतें भी एक दूसरे से कहती है, शांत हो जाए बहन, शांत हो जाए, इस पगली का मुंह कौन लगेगा। मैं इन्हें संदेश नहीं देना चाहती हूँ, आप मुझे किसी और से मिलवाइए। तो इनसे मिलिए, अर्जुन बिजलानी। ओह रियली, ये क्या करते हैं? इन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की है। सच में की है? पर आपने तो कहा कि आप कोई एक्टर से मिलाएंगे। हाँ नहीं, बस इस एक्टर ने इसके बाद कुछ काम ही नहीं किया तो हम क्या करें इसमें। वैसे इनका एक बहुत फेमस शो आया था, हिट शो नागिन। ओह नहीं नहीं, इनका शो नहीं था, ये उस शो में थे।
तुझे क्या लगा तेरे चक्कर में चल रहा शो? बाहर निकल, मार्केट में एक चीज मिलती है आईना, वो लेके आ। मेरे लिए भाई, हर चीज तो अपने दिल पे ले लेता है। तुम्हें ना आईने की जरूरत है ना कंगी की, तुम्हें क्या करो? नहीं कंगी। कंगी इस्तेमाल करता हूँ मैं खुजाने के। वैसे फेमस तो हैं, मगर आप चाहो कि लोग आपको पहचाने तो आप जहाँ भी जाएंगे तो अदा और मोनी को अपने साथ जरूर लेके चलना। ऑफ कोर्स। तो मुझे बताइए क्या इन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी के साथ कुछ नहीं किया है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत जल्द ये देश के बहुत बड़े नेता बनने वाले हैं। ओह रियली? वो कैसे? वो पिछले 5 साल में इन्होंने भी कोई काम नहीं किया। अच्छा तो फिर मुझे बताइए कि ये अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? अरे फ्री टाइम में क्या है, फ्री टाइम में बहुत बिजी रहते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, फोन में एक सेल्फी लेते हैं, इंस्टाग्राम में अपलोड, ठीक है, फिर पूरे दिन इसी इंतजार में बीत जाता है कि लाइक कब आएगा कब आएगा कब आएगा। अर्जुन मैंने तुम्हारा विकिपीडिया का पेज पढ़ा है, फेवरेट हीरोइन दीपिका पादुकोण, फेवरेट डिश बटर चिकन। हाँ यार दीपिका पादुकोण तो तेरे को दे भी देगी ऑटोग्राफ फैन समझ के, बट जब तू कमाता 10 रुपए है तो वड़ा पाव लिखना था ना। यार वड़ा पाव भी 11 रुपए का लिखा है, जो अफोर्ड कर सकता हूँ वो नहीं। नहीं नहीं मैं कर दूंगा यार, कोई बात नहीं, ये ले यार ये ले। ऐसे ही करते हैं फेवरेट कुछ भी ले ले, 1 रुपए। Now you can afford it. इसकी पहली कमाई मुझे दी। Thank you so much. आज मेरा भाई वड़ा पाव चखेगा। तो मुझे बताइए कि क्या सिर्फ यही गरीब है कि करिश्मा भी गरीब है? ये बहुत अमीर है, बिजनेसमैन है। नहीं और रियली इनका किस चीज का बिजनेस है? रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट का बहुत बड़ा कारोबार है इनका। अच्छा वैसे इनका नाम करिश्मा क्यों है? अरे बगैर टैलेंट के अब तक चल रही है कुदरत का करिश्मा नहीं है तो और क्या है? वैसे इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम तन्ना, हाइट जैसे गन्ना, करियर बहुत नन्ना, पता नहीं जिंदगी में कुछ बनना या ना बनना। मुझे एक बात बताइए क्या इन दोनों में से कोई भी फेमस नहीं है? क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो? लोग वैसे अक्सर पूछा करते हैं कि तू कौन है तू कौन है, इनका ऐसा नहीं इनका उल्टा है, इनके तो टीवी खुद डिश से पूछता भाई ये कौन है बता दो दिया कर। अबे टीवी कचरे का डब्बा तोड़ने में कोई भी आ जाए कुछ भी डाल दो। यू नो आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो गया है, वो बहुत गुस्सा लग रहे हैं। अरे गुस्सा लग रहा है आपको? गुस्सा लग रहा है वह गुस्सा लगे मेरे टकले से। क्या बात है मेरे टकले से। अच्छी परफॉर्मेंस थी। इनको 1 रुपए दे दो, घर कैसे जाओगे मेरे भाई? चलिए टांगे, सॉरी करिश्मा बताइए क्या कहना चाहेंगी एक्ट के बारे में? बहुत ही अच्छा था, रियली रियली गुड, थैंक यू। चलिए एक बार राजीव और श्रुति के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू। हमारे पास जब 2 खूबसूरत लड़कियां हो और उनका डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। करिश्मा और नूरा तुम लोग देखना सिद्धार्थ और करण वाही कैसा डांस करेंगे, क्या बात है। चलिए आइए सिद्धार्थ। किसने लड़की की अच्छी अदाएं की? बिजलानी की बिजली सबसे ज्यादा कड़क। अगर आप
आपके साथ आशिकी 2 बनाएंगे, 2 तो बन गई, 3 बनाएंगे तो आपकी हीरोइन पक्का अर्जुन को ही लेंगे हम, ठीक है? क्या बात है, अर्जुन के लिए जोरदार तालियां। कोर्ट के नीचे अर्जुन ही चाहिए। अब कोर्ट के नीचे भी जाने रे। खुश हो गया अर्जुन। देखो उसकी किस्मत देखो सर, कभी कोट पहना नहीं, आज नीचे जाने का मौका मिलेगा। क्या बात है। तो चलिए राहुल सर कब से उतावले हो रहे हैं कि भैया मैं कब जाऊंगा, हैं मैं कब जाऊंगा, और मेरा सलमान भाई ताली मार रहा है भाई। चलो फिर राहुल सर का साथ दो, आप भी इधर आ जाओ और आप दोनों इधर आ जाइए। राहुल सर आपको पता है पूरा देश जानना चाहता है कि आशिकी के बाद आप गए कहाँ थे, किसके साथ ऐसी आशिकी करने निकल गए थे कि दिखे ही नहीं। आशिकी के बाद 40 फिल्में की हुई हैं, बट आशिकी का जो थप्पा पिछले 26 साल से लगा है, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत ही समझता हूँ कि आज मुझ जैसे एक्टर को ये 26 साल का थप्पा आज भी है, और मेरे को लगता है अन्यथा 25 साल तक तो रहेगा ही। चलिए राहुल सर ने नहीं बताया कि वो आशिकी के बाद कहाँ थे, आशिकी के बाद वो कहाँ थे और क्या क्या कर रहे थे वही बताने आ रहे हैं कृष्णा एज राहुल रॉय, सुदेश एज भिखारी और अदा एज रिपोर्टर। राहुल राय सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आशिकी फिल्म को हम आज तक याद करते हैं। मैं बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं सर, कि लोगों के 30 साल के करियर में लोग एक भी अच्छी फिल्म नहीं कर पाते, आशिकी हम आज तक याद करते हैं। राहुल राय सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। और मैंने बैठिए सर, बस सर आपकी ओरिजिनल निकलते नहीं तेंदुए बिंदुए यहाँ से, बिल्कुल नहीं निकलते। खैर मैंने इनकी इतनी मिमिक्री की है, मैं कहता था राहुल रॉय ऑटो चलाते हैं, राहुल रॉय ठेला चलाते हैं, ये स्टेशन के बाहर बॉल पेन बेचते हैं। लेकिन सर सच्ची में आज मैं आपको बाहर मिला, ये कॉमेडी नहीं है तो सच था। क्योंकि मैंने इनको देखा, ये बाहर ऑटो में आए, इन्होंने सबसे पहले अपने केले का ठेला लगाया। कहते मैं केले भी बेचूंगा और एपिसोड भी करूंगा, डबल पैसा कमाऊंगा। सच्ची में इनकी हेयर स्टाइल कमाल की है, कितने लोगों ने इनकी कॉपी की, बोलते आशिकी के बाद क्या कहाँ थे, कौन सी फिल्म किया, तुम लोग बकवास कर रहे हो, मालूम है अपने बाल भाड़े पे देते थे। सलमान को खुद दिया इन्होंने तेरे नाम में अपना बाल भाड़े पे, देखा नहीं तुम लोगों ने। लेकिन सलमान ने इनकी कॉपी की, इन्होंने सलमान को कॉपी किया। मैंने खुद देखा है बांद्रा स्टेशन के बाहर बिना टी शर्ट के घूम रहे थे। लेकिन सर आपने जो मेरे को बॉल पेन बेची ना, वो चल नहीं रही है सर।
बहुत कम लोगों को पता है, बोलते हैं आशिकी बात कौन सी, ये ऑस्ट्रेलिया चले गए थे है सर? करेक्ट, मैं 10 साल के लिए था। ये होता है 10 साल ऑस्ट्रेलिया में थे, इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। इनको पता था मैं इंसानों में नहीं कंगारुओं में ठीक हूँ। ये तो एक दिन एक कंगारू को डांट भी रहे थे, बोले पागल इतनी उछल कूद क्यों करता है बे तू, उछल कूद करने से कुछ नहीं होता, मैंने बहुत की है। फिल्में आदमी को टैलेंट की वजह से ही मिलती है। अच्छा, हमने आशिकी के लिए ताली बजाई, लेकिन राहुल सर की एक और सुपर हिट फिल्म थी जुनून, उसके लिए भी जोरदार तालियां हो गए। ऐसा कुछ होता था? मुझे तो शेर बन जाते थे, अंदर से सब निकलता था। एक्चुअली उस फिल्म में पहले शेर को हीरो लेने वाले थे, लेकिन उसने मना कर दिया, कहता मैं राहुल रॉय नहीं बनूंगा। अरे, हमारे सलमान यूसुफ खान के लिए जोरदार तालियां। अरे क्या बात है, इन्होंने कमाल की फिल्में की है भैया, ABCD 1, ABCD 2, अगर रेमो के घर में झाड़ू पोछा मारने के बाद अगर फिल्में मिलती है तो भैया हम भी शुरू कर देते। ABCD 1, 2 ने की ढंग से झाड़ू नहीं मारा होगा इसीलिए। एक दिन पता है ये सलमान भाई अपने उनके साथ शूटिंग कर रहा था, ये और सलमान भाई साथ में खड़े थे, एक आदमी आया, बोले सलमान जी आपको बुला रहे हैं, तो ये सलमान भाई को बोलते सर आपको बोल रहे हैं अंदर आने के लिए, बोले तेरे को कैसे पता हम दोनों सलमान है, बोले नहीं सर उन्होंने जी लगाया ना मेरे को, बोलते अबे इधर आ, अबे उधर चल, चल बे चल। चंकी पांडे ने इनको खास फोन चंकी पांडे ने सलमान मेरा दोस्त है इसके लिए जोरदार तालियां, क्या करें गलत शो में आया है तू। कृष्णा मेरी पिटवाई करवाएगा, मेरे हेयर स्टाइल को कॉपी कर रहा है, पीछे से देख करके मेरे को ही मारेगा ये। सर मैं सच्ची बोलूं, बाकी 40 फिल्में देखकर भी लोगों को यही मन होता है। एक बार सर चंकी पांडे ने इनको फोन किया, बोले सलमान भाई मेरे को कुछ काम देखो ना, बोले नहीं मैं वो सलमान भाई नहीं, मैं दूसरा सलमान बोल रहा हूँ, झलक वाला। बोले अच्छा तू, अबे साले तू जब सुबह घर पे दूध देने आता तो नाश्ता क्यों है, सब गिर जाता। सलमान, शाहरुख खान और आमिर खान ने आज तक तीनों ने मिलकर कोई काम नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने डिसीजन लिया है हम साथ में मिलकर काम करेंगे, इसको मारेंगे। अरे राहुल सर छोटे मोटे, आज मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक दिन मुझे सुलभ शौचालय के बाहर मिले, कहते भाई 30 रुपया देना, मैंने बोला सर अंदर जाने का 2 रुपया लेते हैं, बोलते नहीं बेटा पहले 28 रुपये का खाऊंगा फिर जाऊंगा। लेकिन हमारा सलमान जो ऐसा वैसा मत समझो, ABCD के बाद मतलब एक होता आदमी का रुतबा फिल्म करने के बाद, ये देखो बोल बच्चन के बाद हमारे तो लगे हुए हैं। लेकिन इनका रुतबा है कभी यशराज कभी बालाजी, कभी यशराज कभी बालाजी, कभी वो कहते हम तुझे नहीं लेंगे, कभी वो कहते हम तेरे को नहीं लेंगे। ये अरे मेरी दोस्त करिश्मा तन्ना, जोरदार तालियां करिश्मा के लिए भी, बहुत हंस रही है सलमान पे हैं, इनका भी आई थी ग्रैंड मस्ती, इनकी पिक्चर देखी आप लोगों ने? अरे कमाल है, पता है वो पिक्चर करने बंसाली साहब के पास गई है, क्योंकि बंसाली साहब मेरे को पिक्चर में लो ना, क्या कमी है मेरे अंदर, मेरा डांस देखिए, मेरी परफॉर्मेंस देखो, मेरी हाइट देखो, उन्होंने बोला वो सब तो ठीक है लेकिन तेरी शक्ल तो देखो। उसको आदत है पुरानी है। हमारे जो शक्ति अरोरा हैं, तेल लगाने नहीं। यार मैं कब से बोल रहा हूँ यार, मैं तू तेल लगाने गया नहीं, लोग मसाज कराने बैठे।
बुलाओ ना मसाज कराने वाले। आजा आजा राहुल सर, आई लव यू। जोरदार तालियां राहुल सर के लिए। आप लोगों को पता है कि राहुल सर को हमने झलक की टीम के साथ यहाँ पर क्यों बुलाया? ये एक थॉट आएगा सबके दिमाग में, एक थॉट आएगा ये ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया झलक वालों की एक बार शक्लें तो देख लो, इनके साथ ऐश्वर्या राय थोड़ी आएगी। मैं अभी इधर आया हूँ नाला सुपरम, हाँ पहुंच गया। मेरा मैनेजर नहीं आया यार, आजकल हीरो से ज्यादा मैनेजर की डिमांड हो गई। ए, ये क्या बदतमीजी है, और ये मेरी गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं आप? ओ सर, मैं आज मैं गलती से कपड़े आपके पहन के आ गया था, मैं गाड़ी भी आपके लिए आऊं करना। सर छोड़िए, आपकी चक्रों में पड़े हैं, बहुत बहुत मुबारक हो, खुशी होगी आपको मेरी बात सुन के। क्या रोटी मिली है क्या? रोटी रोटी एकदम ही आपके तो रोटी मिल जाए, ऐसे नहीं होता। सर आपको खुशी होगी कि इंटरव्यू लेने के लिए एक लड़की आ रही है। हाँ हाँ, पैसे भी आएंगे, रोटी भी आएगी। अच्छा, अब वो रोटी वैसी होती है ना, वो त्रिकोण होती है ना? अरे वो समोसा होता है सर, हलवानी। हाँ? रोटी थी गोल, जो वो आशिकी के टाइम पे आपने खाई थी। अच्छा सर मेरी बात सुनो, आप किसी ज्योतिषी को हाथ क्यों नहीं कटवा, हाथ क्यों नहीं दिखाते? अरे मैं ज्योतिषी के पास गया था यार, पता है एक घंटे तक मेरा हाथ देखता रहा। उसको प्यारा लगा होगा ना? नहीं प्यारा व्यारा नहीं लगा, बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ रेखाएं देख के कि आप मुझे वापस पैसे कैसे दोगे। हाय, क्या ये घर राहुल रॉय का है? नहीं ऐसा, आप तो बाहर गए हैं। राहुल रॉय घर पर नहीं है? नहीं, मैं उनका माली हूँ। अरे सुनो। हाँ? मैं यहाँ उधार के पैसे लेने नहीं आई हूँ, मैं राहुल रॉय का इंटरव्यू लेने आई हूँ। अच्छा अच्छा, आई एम राहुल रॉय, हाउ आर यू? एक्सक्यूज मी, हेलो मैम। मैं कैसे मान लूं कि तुम राहुल रॉय हो? पहचाना नहीं मेरे को? नहीं, एक मिनट अभी बता। अभी देखना पहचानेगी तू, देखना। राहुल रॉय? या सर, सर आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। सो नाइस टू मीट यू सर। अरे कुछ नहीं होता, कितने साल हो गए, कुछ नहीं होता। सर मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ, प्लीज बैठिए ना। अरे ऐसे कैसे बैठे, बैठी बैठी आप तो बैठी, आप ही बैठी हो। अरे मैं चप्पल पर कैसे बैठूं? अरे चप्पल क्या धोलेंगे, चप्पल बाद में क्या होगा, बैठो। बैठी बैठी आइए, बैठी बैठी बैठी। सर आप इतने बड़े स्टार हैं, आप नीचे क्यों बैठे हैं? हम्बल हम्बल हूँ, प्रॉब्लम होती है फिर जब बाहर बहुत एटीट्यूड दिखाओ, बहुत साला मारते लोग हैं। अच्छा ठीक है, क्या बताइए सर? हाँ। मैं इंटरव्यू शुरू करूं? हाँ। सर आपके डेली रूटीन के बारे में बताइए, जब आप सोकर उठते हैं आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट तो हमने कभी देखा नहीं। बस अब मैडम ब्रेकफास्ट का तो पता नहीं होता, ब्रश करते करते जितना झाग अंदर चला जाए। <laughs>
सर अब लोगों को बताइए कि आप बिग बॉस में कैसे गए? You know what happened? I was just staying in Australia and these colors people they called me. Okay. And they said के बस मैं अंदर गया बिग बॉस के घर में. मेरे को झाड़ू पोछा करना था. मैं बाथरूम में छुप गया. मैं बहुत शाना निकला. तीन महीने बाद निकला. मैं जीत भी गया. अच्छा सर अभी आपकी सुपरहिट फिल्मों के बारे में हमें बताइए. सुपरहिट मेरी फिल्म आशिकी. वाह बहुत बढ़िया. इतनी बड़ी हिट हुई पिक्चर. उसके बाद मेरा ही टाइटल चुरा के इन लोगों ने आशिकी 2 बनाई. यस हाँ. वो भी सुपरहिट हुई. यस लेकिन उससे पहले मेरी आशिकी आई थी जो सुपरहिट थी. तीन हो गई तीन. फिर आशिकी 2 मेरा ही चुराया था इन लोगों ने. लेकिन मेरी आशिकी पहले आई थी. अभी 4 हुई हैं. मैं 40 गिना सकता हूं आपको. ऐसे ही देखिए. नहीं देखिए. नहीं नहीं नहीं. आशिकी के बाद आशिकी 2 आई. 2 के बाद पहले मेरी आशिकी आ चुकी थी. अगर आपको नींद आई तो सो जाओ. नहीं अब समझ गई मैं. समझ गई. अब मतलब आप तब कोट पहनते थे फिर छाता लिया. अरे छाते के पैसे तब भी नहीं थे. कोट या कंबल इनका शुरू से शौक है. सर आपका ये हेयर स्टाइल आप चेंज क्यों नहीं करते? नहीं इन्होंने कुछ शौकिया तौर पे रखा. जिस दिन पैसे आगे कटवाने ये कोई है तो नहीं कोई. और कुछ खाएंगी? नहीं 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 कुछ तो लो. नहीं सर. नहीं बताइए आप बताइए क्या लेंगी. थैंक यू सर. आपका इंटरव्यू लेके बहुत मजा आया. चूहे की मेंढी यहाँ पर मेरा बकवास करने आई. एक मिनट हाँ जा सकता है. राहुल सर ये बात तो जरूर मानना पड़ेगा जब तेरे सर पे मेरे जैसे बाल आते हैं तेरी परफॉर्मेंस कहीं और चले जाती है. सर इन लोगों को बताइए ये लोग बहुत सीरियस हो रहे थे बल्कि आप कितना एंजॉय करते हैं. नहीं नहीं दो तीन बातें यहाँ अगर इजाजत हो तो कहना चाहूंगा. जी, जी, मैं बिल्कुल, बिल्कुल. मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 26 साल इस इंडस्ट्री में टिक पाया हूँ. क्योंकि कई लोग हैं जो आते हैं और कोशिश करते हैं और वो नहीं कर पाते हैं. अपने काम को सीरियसली लो. अपने आप को सीरियस मत लो. नेवर. Kudos to all of you कि आप इतना अच्छा करते हैं. भारती एंड यू आर अ रॉक स्टार. क्रिश यू आर अमेजिंग. सुदेश अदा एंड ऑल ऑफ यू आउट देयर सुपर सुपर रॉक स्टार. अच्छा मैंने आपका ये गाना कितनी बार किया होगा मुझे भी याद नहीं है. तो आज आप हैं साथ में तो साथ में ये गाना करते हैं. शो पे हम लोगों ने बहुत लोगों का रोस्ट किया है. बहुत लोगों की टांग खिंचाई की है. लेकिन यू ग्रेट स्पोर्ट राहुल सर. बहुत मजा आया आपके साथ. खैर कृष्णा इतने सारे हमारे कलर्स के सुपरस्टार आए और सच में सुपरस्टार भी बैठे हैं राहुल. राहुल सर आपको कॉमेडी नाइट्स बचाओ में आके कैसा लगा? इतने समय तक मैं सिर्फ अपने आप को देख रहा तुम्हारी जुल्फों के नीचे. लेकिन आज मैं खुद मुझे मौका मिला एंड फैंटास्टिक एक्ट्स. बहुत बढ़िया. वेरी वेरी गुड. सलमान आप क्या कहना चाहेंगे? यार सच बताओ मैं तो फटी पड़ी थी यार. आज तक मुझे जिंदगी में किसी ने रोस्ट नहीं किया है तो ये शायद मेरे बकेट लिस्ट का एक टिक रहेगा कि मैं आया और मैं ये सह पाया. थैंक यू सो मच. चलिए रीना दीदी. ओ सॉरी सिद्धार्थ.
बहुत हंसे, बहुत मजा आया। कृष्णा आपका नाम जिसने भी रखा है कमाल रखा है। ऊपर वाला मारता है तो आवाज नहीं आती, आप मारते हो सिर्फ हंसी की आवाज आती है। क्या बात है। बट इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। आई होप टू कम बैक हियर अगेन सून। एंड गाइस यू आर आउटस्टैंडिंग। यू आर अमेजिंग। करिश्मा करिश्मा गन्ना बड़ा हंस रही थी मुझ पे। करिश्मा आवाज आ रही है ऊपर? हां जी आ रही है। आपको कैसा लगा? मैं समझती हूँ कि कॉमेडी करना बहुत ही मुश्किल है, लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल है, और सबसे ज्यादा इजी चीज है कि आप खुद पर हंसो। यू नो दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर आप वो ले सकते हो तो आप कुछ भी ले सकते हो। आई थिंक आई लव दैट। थैंक यू अर्जुन। मेरा तो तीसरी बार आया हूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे तो आदत ही पड़ गई है। एंड आई हैड अ गुड टाइम टुडे ऑनेस्टली, एंड ऑल द एक्ट्स वर गुड। सॉरी भाई। Yeah, you guys are brilliant. और like कृष्णा और भारती तो मतलब चार चांद लगा देते हैं परफॉर्मेंस। Thank you, Arjun. शक्ति आप पहले लगा गया था। शक्ति क्या कहना चाहेंगे? फाइनली बोल दूँ? हाँ प्लीज। मुझे आप लोग ने मेरे स्ट्रगलिंग डेज की यू नो याददाश्त वापस दिला दी। जब स्ट्रगलिंग डेज में जब हम लोग यू नो ऑडिशंस दिया करते थे, ऐसे ही सब स्ट्रगलर होते थे वहाँ पे। और ऐसी बेइज्जती होती थी हर जगह पे कि तुम फिट नहीं हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो आज वापस मुझे रील बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। नूरा नूरा इसने कितना अच्छा बोला, तुम तेल लगाने जाओ। बताइए नूरा कैसा लगा दूसरी बार आके? एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कॉमेडी की बड़ी फैन हूँ और आप लोगों का फैन हूँ, सीरियसली। और मैं हमेशा हमेशा इस शो देखती हूँ जब मैं अकेली घर में हूँ रात में। ओ काश काश मैं आप लोगों की जैसी हूँ, कॉमेडी करती हूँ, ये सब मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग। कमाल है, कमाल है। नहीं नहीं, सबसे पहले हमारे झलक वालों के लिए एक तो उनको बधाई भी देते हैं। झलक शुरू हुआ है, फैंटास्टिक गाइस, ऑल द बेस्ट एवरीवन। वाकई मैं आप लोग शो पर आए इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इस साल का झलक बहुत ही माइंड ब्लोइंग लग रहा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आइए ऑडियंस, मजा आया आप लोगों को? चलिए इसी मजे और मस्ती के साथ हम आपको मिलेंगे अगले रविवार, क्योंकि शनिवार तो ये लोग खा गए हैं झलक वाले। मिलेंगे अगले रविवार रात 10 बजे ओनली विद कॉमेडी नाइट्स। बच्चा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.